रक्तदान, एक ऐसा शब्द जो जब भी जुबान पर आता है तो किसी को जीवन दान देने का जज्बा दिल को सुकून देता है। रक्तदान का इतिहास तो लगभग एक सदी पुराना है, पर भारत में इसकी विधिवत शुरुआत 1942 में कोलकाता पश्चिम बंगाल से हुई। 4 अगस्त 1942 में स्थापना तो हो गई, पर स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों का उस समय अकाल पड़ा हुआ था। कई लोगों ने प्रयास किए पर उनके प्रयास सफल नहीं हुए। 20 साल निरंतर प्रयास के बाद 1962 में जब पश्चिम बंगाल में राज्य स्तरीय विद्यार्थी एवं शिक्षकों का एक बहुत बड़ा रक्तदान कैंप लगाया गया तो 301 यूनिट रक्तदान हुआ और यह आंकड़ा भारत का पहला राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। उसके बाद यह रिकॉर्ड थोड़े बहुत अंतर से टूटता गया, लेकिन स्वैच्छिक रक्तदाताओं का काल खत्म नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप अपना खून बेचने वालों की तादाद बढ़ने लगी तो साथ साथ संक्रमित बीमारियां भी मरीजों को उपहार के रूप में मिलने लगी। अज्ञानता के अभाव में जीवन देने वाला रक्त तड़पती मौत देने का कारण बनने लगा। एड्स और हेपेटाइटिस के मामलों में एकदम इजाफा होने लगा। तब 1990 में जाकर रक्त चढ़ाने से पूर्व मापदंड तय किए गए और कुछ टेस्ट अनिवार्य कर दिए गए, परंतु स्वैच्छिक रक्तदाताओं की फिर भी कमी ही रही। रक्तदान किसी क्रांति के लिए तरस रहा था। गैर तो दूर खून के रिश्तेदार भी अपने परिजनों को खून देने से कतराते थे। इन हालात में रक्तदान का बीड़ा उठाया पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाने। गुरुजी ने गांव गांव और शहर शहर में जाकर अपने रूहानी सत्संगों के माध्यम से लोगों के अंदर रक्तदान को लेकर पैदा हुई भ्रांतियों व डर को खत्म किया। ये भ्रांति बिल्कुल गलत है कि रक्त बनता ही नहीं, महीने में बनता है, ये 7 दिन में बन जाता है, और बल्कि इंसानियत के लिए जो सच्ची तड़प से देता है पहले से बढ़िया होता है। ऐसा कई जगह पे उदाहरण हो चुके हैं कि जिनको बहुत सी बीमारियाँ थी, उन्होंने यहाँ आके रक्तदान किया तो उनकी वो बीमारियाँ ठीक हुई। ये तो भगवान जाने कैसे, लेकिन ये हुआ है। आप उनसे मिल सकते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे हैं तो जिनकी बीमारियां तक चली गई, तो ये भगवान की दया है। और तो रक्तदान खुले दिल से करना चाहिए, उससे आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं हो सकता। साथ ही रक्तदान जीवन दान के महत्व को समझाकर लोगों में रक्तदान के लिए एक ऐसा जुनून पैदा किया जिससे बूंद बूंद के लिए तरस रहे थैलेसीमिया व डेंगू के मरीजों और अचानक दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों के लिए समय रहते रक्त की सप्लाई पूरी होने लगी। जो लोग थैलेसीमिया के मरीज हैं या किसी बीमारी से तड़प रहे हैं या इमरजेंसी आ जाती है, खून वहाँ पहुँचे तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व है अपने बच्चों पे जो खूनदान करते हैं, कि उनकी वजह से शायद लाखों जाने आज बची होंगी। जो खून अगर इतना गया तो लाखों जाने भी उससे बची हैं। तो यही हमारा रहा है, रिकॉर्ड नहीं बल्कि ये सोच के हम खूनदान करते हैं कि भला होते जाए और होते जाए और करते ही रहेंगे। कितने जुनून होता जा रहा है ये कर। पूज्य गुरुजी के इस आह्वान से लोगों में रक्तदान करने की जैसे बाढ़ ही आ गई। मुझे भी खून दान करने दीजिए, विनती कर रहे हैं, मेरा खून ले लो आप। डॉक्टर साहब मेरा भी खून ले लो प्लीज। रक्तदान के प्रति लोगों में ऐसा जुनून पूज्य गुरुजी के मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया। रक्तदान से भर गईं थैलियां, रक्तदान से भर गईं पेटियां और रक्तदान से भर गए उनके कमरे। आखिर थक गए खून लेने वाले, पर नहीं थमा खून देने वालों का ये हौसला। यूं लग रहा था उनके मन में रक्तदान कर खून की नदी बहाने का जोश
उमड़ रहा हो। खून दान कर जश्न मनाने वाले मस्तानों की ऐसी टोली शायद ही लोगों ने पहले कभी देखी और न ही भविष्य में कहीं और देख पाने की वो उम्मीद रखते हैं। इस प्रकार का आयोजन, इस प्रकार की सेवा मैंने इस धरती पर न देखी थी और ना ही आशा करता हूँ कि भविष्य में देख पाऊंगा। जिसने भी रक्तदान करने वालों की ये दीवानगी देखी उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, शब्द मानो कहीं खो गए और बरबस इतना ही कह पाए। This is something incomparable. ऐसा कभी नहीं देखा बाहु। हमारा हॉस्पिटल के तरफ खून देने के लिए डरते हैं लोग और आने के लिए देने के लिए नहीं चाहते, इधर बिल्कुल उल्टा है। ये कोई फिल्मी कहानी या कोई मनगढ़ंत दास्ता नहीं है, ये तो साक्षात चमत्कार है। पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जिन्होंने इंसानियत की सेवा करने का प्रण लिया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं, खूनदान महादान है और इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता। एक मौत के मुंह में जाने वाले इंसान को कोई ब्लड दे के उसकी जान बचाता है। माना कि भगवान ने जान देनी है, लेकिन कोई कारण बना, जरिया बना। 7 दिसंबर 2003 को शाह सतनाम जी धाम डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा आयोजित इस महाशिविर में देश के कोने कोने से ब्लड बैंक की टीमें आई थी और उन्होंने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रक्त संग्रहण किया। इस शिविर में डेरा सच्चा सौदा ने मात्र 8 घंटों में 15,432 यूनिट रक्तदान कर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एक अनुमान के अनुसार 50,000 से भी अधिक रक्तदाता उस दिन रक्तदान के लिए आए थे, पर सभी टीमों के पास कुल मिलाकर 15,432 थैलियां ही थीं। बाकी सभी रक्तदाताओं को उस दिन बिना रक्तदान किए निराश ही वापस लौटना पड़ा। बहन जी, डॉक्टरों के पास बैग खत्म हो गए, अब आप लोग सब लोग जाओ। वो कहते हमारे पास बैग नहीं है, बैग खत्म हो गए। तो मेरा मन तो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है क्योंकि हम सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं, 9 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। विभिन्न ब्लड बैंकों से आई टीम रक्तदान करने वाले लोगों का जज्बा देख हैरान थी। जब उन्होंने रक्तदाताओं को पहले मैं के लिए प्रतिस्पर्धा करते देखा तो वो लोग अपनी आंखें पोंछते नजर आए। रक्तदान करने के लिए लोगों में इतना उत्साह पहले कभी भी नहीं देखा गया। मैं यहाँ पे सुबह 6 बजे की आई हूँ, यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइंस लगी है जो कि सुबह से ही रात से बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे, लेकिन फिर भी जब भी मेरी बारी आएगी चाहे शाम तक ही आए फिर भी मैं खूनदान करके जाऊंगी। क्योंकि लोगों की लंबी लंबी कतारें देखकर रक्त एकत्रित करने वाली टीमें भी हैरान हो जाती हैं और वो हाथ जोड़कर रक्तदाताओं से प्रार्थना करते नजर आते हैं। जो इंस्पिरेशन है और सोचते हैं कि इस बार कम होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भीड़ मिलती है और हर बार सोचते हैं कि इस बार हम ब्लड इससे ज़्यादा नहीं लेंगे और हर बार इतना दबाव पड़ता है। लेडीज़ माताएं बहनें इतना दबाव डालते हैं, हम खुद अपने आप पे दबाव महसूस करते हैं कि ब्लड मना कैसे करें हम लोगों को ब्लड डोनेशन करने के लिए। जैसे कि हम कहीं ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो हमें कहते हैं सब 100 यूनिट ब्लड डोनेट होगा और हम बड़े उत्साह से जाते हैं कि 100 यूनिट ब्लड लेके आएंगे और वहाँ जाके हमें 30 से 40 यूनिट ब्लड मिलते हैं और डोनर्स बिल्कुल बाहर चले जाते हैं, कह साहब मेरी माँ बीमार है कि मेरा भाई बीमार है, मैं ब्लड दे नहीं सकता। जबकि यहाँ हम टारगेट लेके आते हैं कि 200 यूनिट लेना है तो हम 400 से कम लिए हुए कभी जा ही नहीं सकते और ये भी सोचते हैं कि अब ब्लड बैंक नहीं है, नहीं तो शायद 1000 यूनिट भी लेना चाहें तो 1000 या 2000 भी ले जाओ, यहाँ कोई कमी नहीं। मात्र 6-7 साल की उम्र के बच्चे और 65 साल की उम्र से ऊपर के बुजुर्ग भी जब डॉक्टर के पास जाकर खून देने की जिद करने लगे तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चों का और 65 साल की उम्र के बुजुर्गों का खून भला कैसे लिया जा सकता था? डॉक्टर्स ने हाथ जोड़कर कहा कि धन्य है गुरुजी जो इस उम्र के बच्चों और बुजुर्गों में भी ये जज्बा भरने की
खूबी रखते हैं। स्कूल कॉलेजों के बच्चे भी ये चाह रहे हैं कि हम अलग से कैंप देना चाहते हैं, हमारी तरफ से ही दिया जाए, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है या कोई भी, कि सिर्फ हम बच्चे बच्चे ही करें। मतलब इतना जोश है सेवादारों में, छोटे छोटे बच्चे भी ब्लड देने को तैयार हैं और मानवता की सेवा के लिए तैयार थे, तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। बल्कि उत्साह दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता है और बढ़ता ही जाएगा। हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और हर जगह के अंदर में जहाँ पे हमें मोटिवेट करना पड़ता है डोनर को, हमें बोलना पड़ता है आइए आप ब्लड डोनेट कीजिए, उसके रीजंस, उसकी एडवांटेजेस बतानी पड़ती है, यहाँ पर ऐसा हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। हमारे पास में डोनर आगे बढ़ के आते हैं, इतनी बड़ी तादाद में आते हैं जिनको कि मैनेज करना मुश्किल होता है। उसके बावजूद कई ऐसे डोनर भी होते हैं जिनको कि मेडिकल ग्राउंड पर कहा जाता है कि आप डेफर हैं, इस समय आप डोनेट नहीं कर सकते। वो लोग आंसू ले आते हैं आंखों में और वो कहते हैं कि नहीं, हम तो करेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हमारे को डोनेट करने दीजिए। तो ये जो जज्बा है, ये जो ये फीलिंग है, वो यहाँ के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलती। ये इट इज़ वेरी डिवाइन। ये हम हर बार यहाँ आते हैं, हर बार ये सोच के आते हैं कि हम इतना लेके जाएंगे और उससे ज़्यादा ही होता है। ऐसा उत्साह कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर डोनर, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 65 साल के ओल्ड हों, चाहे वो लेडीज़ हों जिनको ये कहा जाए कि वो दादी के स्टेज पे भी हों या नानी की स्टेज पे, वो भी आगे आती हैं, वो भी देना चाहती हैं, जिनमें से कुछ को हमें कहना पड़ता है कि नहीं आपके लिए ठीक नहीं होगा, आप ना दें, लेकिन वो लोग भी इंसिस्ट करती हैं। और यहाँ तक कि कई बार हमारे को, पिछली बार के कैंप में तो ये हुआ था कि उन्होंने हमें घेर लिया था कि हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको हमारा ब्लड लेना पड़ेगा। तो ऐसा तो और कहीं नहीं होता। 10 अक्टूबर 2004 में पूज्य गुरुजी के जन्मदाता पूज्य बापू नंबरदार मग्घर सिंह जी की याद में उनके पैतृक गांव श्री गुरुसर मोडिया में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने 17,921 यूनिट रक्तदान करके अपना ही रिकॉर्ड सुधार कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। इंसानियत का भला हो, कोई खून की वजह से ना जाए इस दुनिया से, ले जाने वाला तो मालिक है, उसने समय अनुसार ले जाना है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश है कि जितना ये ब्लड दे पाएँ। और इसका कारण एक ये भी है कि आज जिन्होंने हमें जन्म दिया उनका नाम चर्चा कह लें, सत्संग कह लें, उनके नाम पे लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी साथ संगत ये चाहती थी कि हमने भी कुछ ना कुछ श्रद्धा अर्पित करनी है। और बजाय कि कुछ और खाने पिलाने के या कोई हलवा वगैरह या कुछ मालपुए बनाने के, ये सोचा गया कि इंसानियत के भले के लिए ये कैंप लगाया जाए, ताकि हर किसी को जो जिसको ज़रूरत है उस तक ये खून पहुँच सके। यही एम लेके ये ब्लड दान कर रहे हैं। श्रद्धा यही है कि हमने इंसानियत के लिए कुछ करना है, कि हम दूसरों का भला कर सकें, यही इनके अंदर भावना है, और इसी भावना के तहत लोग यहाँ पे चल के आते हैं। इसके बाद रक्तदान के शिविरों का सिलसिला ही चल पड़ा और हर माह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाने लगा। भारतीय सेना के लिए हर माह डेरा सच्चा सौदा में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है और उसे जितने यूनिट खून चाहिए होता है वो यहीं से लेकर जाती है। यहाँ डेरा सच्चा सौदा से हमारा टाई अप हो गया है, तो हमें पहले तो हमें आके यहाँ पे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि कितना ऐसे रिस्पांस यहाँ पे इतना अच्छा है कि लोग, जहाँ हमें बोलना पड़ता था कि खून दे दो करके, तो यहाँ पे इतने सारे लोग तैयार होते हैं ब्लड देने के लिए। हर महीने हम आते हैं यहाँ पे और हर बारी हमें ऐसे ही हमें देखने को मिलता है कि लोग इतने उत्सुक है ब्लड देने के लिए, और ऐसे रिस्पांस तो मैंने एटलीस्ट मेरा 24 साल के सर्विस में मैंने कहीं नहीं देखा जो यहाँ पे है। इसके अतिरिक्त पुलिस, पत्रकार और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को यहीं स्थित पूज्य बापू मग्घर सिंह जी इंटरनेशनल ब्लड बैंक से समय समय पर खून निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। ।24 जुलाई 2007 को पूज्य गुरुजी द्वारा स्थापित इस ब्लड बैंक से पूरे उत्तर भारत को रक्त की आपूर्ति की जाने लगी है।
8 अगस्त 2010 को एक और विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 43,732 यूनिट रक्तदान हुआ। इस रक्तदान शिविर में एक और नया विश्व कीर्तिमान डेरा सच्चा सौदा के नाम हो गया। 24 अप्रैल 2013 के दिन लोगों को जागरूक करने के लिए पूज्य गुरुजी ने 10,563 सेवादारों की भागीदारी से बनी विश्व की सबसे लंबी रक्त बूंद बनाकर लोगों को रक्तदान करने का संदेश दिया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बतौर कीर्तिमान दर्ज किया गया। पूज्य गुरुजी द्वारा दी जाने वाली लाइव प्रस्तुति मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट के 100 संस्करण पूरे होने के उपलक्ष में 12 अप्रैल 2014 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सहित पूरे भारतवर्ष व विदेशों में एक ही दिन में 200 से ज्यादा रक्तदान शिविरों का आयोजन करके 75,711 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। देश की राजधानी व अनेक राज्यों सहित विदेशों में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली और अरब देशों में इतने बड़े स्तर पर इस तरह का शिविर पहली बार लगाया गया था और ये भी एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। डेरा सच्चा सौदा अब तक 5,10,731 यूनिट रक्तदान कर इस क्षेत्र में विश्व के पहले पायदान पर खड़ा है और अब तक अकेले भारतीय सेना के लिए ही डेरा सच्चा सौदा 140 रक्तदान शिविर लगा चुका है। आर्मी के लिए हमेशा ही यही रहता है कि जैसे यहाँ सेवादार हैं, ये सेवा करते हैं, तो उसी तरह से आर्मी जो है वो पूरे देश की सेवा करती है। सब लोग सो जाते हैं आराम से, सुकून से सोए हुए हैं, क्योंकि ये लोग प्रहरी हैं, अपना पहरा देते हैं और सबकी निगरानी रखते हैं। तो इनके प्रति एक ऐसी भावना सेवादारों की, जैसे कि वो खुद सेवा करते हैं, कि ये भी सेवा देश की करते हैं, तो इनके लिए जरूरी है कि पहले दिया जाए, बाकी सबके लिए यहाँ खूनदान दिया जाता है। रक्तदान के क्षेत्र में पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अथक प्रयासों व जागरूकता अभियानों से डेरा सच्चा सौदा व शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग का नाम 4 बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, 1 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, 1 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और 2 बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी विवाह, शादी, जन्मोत्सव और अन्य उत्सवों पर भी रक्तदान ही नहीं बल्कि मरणोपरांत शरीरदान व आंखें दान के फॉर्म भी भरकर इसे खुशी से मनाते हैं। सुना है कभी शादी की खुशी में दूल्हा दुल्हन मरने के बाद आंखें दान का लिखें, शरीर दान का लिखें? बहनें तो वैसे ना लिखने दें। और ये देखो बहादुर हैं ये बच्चे बच्चियां, इनके परिवार। ओकेजन चाहे जो भी हो, चाहे बर्थडे, चाहे एनिवर्सरी, गुरुजी ने हमें प्रेरणा दी है कि हर एक ओकेजन को अगर हम किसी नीडी की हेल्प करके, जिसको जरूरत है, मनाए, तो उससे बेहतर सेलिब्रेशन और कोई नहीं है। और फिर ये तो गुरुजी का खुद का बर्थ है, जिन्होंने हमें मानवता पे चलना सिखाया, तो उनका जन्मदिन तो हम मानवता भलाई के कार्य करके ही बनाएंगे। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी समय समय पर सामूहिक रक्तदान करते रहते हैं। कहीं भी आपदा या आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो रक्तदान करने वालों में सबसे पहले पहुंचने वाले डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी ही होते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में ये चलते फिरते ट्रू ब्लड पंप के नाम से जाने जाते हैं। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने वहाँ के सेवादारों को, शास्त्राम जी की नेस वेलफेयर फोर्स विंग को अवार्ड दिए हैं 2-3 बार। सऊदी अरब में अवार्ड दिए जा चुके हैं मानवता भलाई के, क्योंकि इनको नाम दिया गया पूरे वर्ल्ड में ट्रू ब्लड पंप। कहीं भी जरूरत हो, चाहे वो मुंबई में जब आतंकवादी का हमला हुआ था, वहाँ सबसे ज़्यादा ब्लड देने में ये सेवादार आगे थे। जिन घायलों को जरूरत पड़ी, डेंगू के मरीजों के लिए जब भी जरूरत पड़ी, कारगिल में जब अटैक हुआ था, सेना को अगर खून दिया तो यहीं के सेवादारों ने पूरी सेना को, आर्मी को चुटकियों में खून दे दिया।
और दिल्ली के डॉक्टर तो ये कहते थे कि गुरुजी पता नहीं आपने क्या भरा है, हमें 500 यूनिट चाहिए था और 2500 यूनिट देने लोग आ गए। हमने जरा सा फोन किया था कि भाई जरूरत है, 2500 लोग स्किंटों में आ गए अपनी अपनी गाड़ियां लेके। कैसा जुनून है, कैसा जज्बा है। आई फील मोटिवेटेड by the teachings of Pitaji and my every donation I will give the whole credit to him because he has been constantly teaching each and everyone in the world to follow humanity as the religion which is the biggest religion as per the principles of Dera Sacha Sauda. Hi, I'm Scott Sinclair, donor recruiter for New Zealand Blood Service. I'm here just to tell you a little about our service in New Zealand. We supply everyone that needs blood. Blood only lasts 35 days, so it's a constant battle to make sure that we've got enough supply. We're proud as New Zealanders to say that we're self-sufficient. Not all countries can say that. And that's basically to fantastic groups like Dera Sacha Sauda who come in on a three-monthly basis to help us meet the supply. So really thank you to all those guys out there who come in. They're a fantastic group. We've had them come in at least 14 times, I believe. And it's been such a success, and everyone is such a supporter of blood donations. Their blood goes to help parents that are having babies and accidents, cancer patients. So they really are lifesavers, and we appreciate their support. I'd also like to thank Saint Gumichi for his constant passion for blood donation and the worldwide support he's given. So thank you, and thank you to everyone else. पूज्य गुरुजी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान पर डेरा सच्चा सौदा अब भी निरंतर चल रहा है। डेरा अनुयायी आज भी ब्लॉक स्तर पर सामूहिक और एकल रूप से अनजान लोगों के लिए रक्तदान कर रहे हैं। मौका दीजिए खुद को किसी की रगों में बहने का। ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। इन पंक्तियों को सार्थक करते हुए डेरा अनुयायी प्लास्टिक की इस छोटी सी थैली में किसी बेगाने के लिए जान भरने की खातिर हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मेरे पैरों में दम नहीं है, और मैं खड़ा नहीं हो सकता। तीन अलग अलग लोग पर मकसद एक, उद्देश्य एक। ये शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, पर अपने गुरु के आदेश पर समाज हित के लिए ये लोग भी रक्तदान करने से पीछे नहीं रहे। मैं और मेरी पत्नी जो कि नेत्रहीन है यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं, और हमने ये प्रण लिया था भी हम कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी भीड़ हो, हम वहाँ ब्लड डोनेट करने जाएंगे और करके आएंगे। ये हमारे गुरु डॉक्टर एमएस जी की प्रेरणा ही है कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया और हमारे अंदर ये हौसला भरा। हम तो कुछ करने के लायक ही नहीं समझते थे अपने आप को, लेकिन उन्होंने इतना हौसला दिया कि आज हम 24वीं बार मानवता के लिए ये सेवा कर पा रहे हैं। ये जज्बात की जीत है, ये हौसलों की जीत है, ये जीत है गुरु के आदेश पर किसी को जीवन दान देने की। ये समाज की सेवा करने वालों का जमावड़ा है। सोचिए आज के दौर में जब भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, तो किसी अनजान के खातिर खून दान करने की ये जिद क्या अपने गुरु के इशारे के बिना संपन्न हो सकती है? गुरु जी के बारे में बोलने के लिए मेरे शब्द नहीं है, लब्ज नहीं है। ये महान महान मुझे आत्मीयता से हर एक जो है उनका जो आते आते आदमी एकदम पिघल जाता है। वंडरफुल पर्सन, नो डाउट अबाउट दैट। उनका भी शक्ति का अभाव, बोल नहीं सकता है, उतना बड़े हैं, नहीं तो इतना डिसेबल्स को, इतना लोगों को नहीं कर सकता है। साधारण चीज़ नहीं है, साधारण नहीं है। जैसे गुरु जी की कृपा से अभी जब जब कैंप लगता है तब तब हम आते हैं 450-500 बैग यहाँ से, क्योंकि यहाँ जैसा अवेयरनेस बाकी का तो नहीं मालूम, नहीं पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई कैंप में जाते हैं महाराष्ट्र में तो 4 डोनर, पूज्य गुरुजी द्वारा लाई गई रक्तदान की क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व में दिखने लगा है। रक्त की कमी के कारण जीने की उम्मीद छोड़ चुके आज लाखों लोगों की रगों में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों का रक्त जीवन बनकर दौड़ रहा है।
जब भी कहीं रक्तदान का जिक्र आता है तो डेरा सच्चा सौदा का नाम सबसे पहले लिया जाता है और अक्सर कहा जाता है कि चलता फिरता रक्त पंप किसी को भी न खाली मोड़ता है। आज लाखों रगों में डेरा सच्चा सौदा का खून दौड़ता है। डेरा सच्चा सौदा का खून दौड़ता है।